डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो एक कंपटीशन इवेंट करवाने जा रही हूँ। सो उसमें जितने भी हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो पार्टिसिपेट करें इस कंपटीशन में। बच्चे क्या, इसमें बड़े भी कर सकते हैं, जो सुपर मॉम, सुपर डैड, सभी। सो मैं ये चाहती हूँ कि सभी आके पार्टिसिपेट करें और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। फॉल सेवक और बाकी सुपर मॉम, सुपर डैड कर जितने भी जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी फोन लाइन में आपको नंबर दे दिया जाएगा और इस नंबर पे आप जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रीति लेंगे। मैं बिलोंग करती हूँ रियासी डिस्ट्रिक्ट शिवखोड़ी की रहने वाली हूँ मैं। तो आज मैं मीडिया के थ्रू सभी डिस्ट्रिक्ट रियासी वालों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो एक कंपटीशन इवेंट करवाने जा रही हूँ, सो उसमें जितने भी हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो पार्टिसिपेट करें इस कंपटीशन में। बच्चे क्या, इसमें बड़े भी कर सकते हैं, जो सुपर मॉम, सुपर डैड, सभी। सो मैं यही चाहती हूँ कि सभी आके पार्टिसिपेट करें और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। तो इस इवेंट में जो मेरी हेल्प की है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी हूँ, सो किशोर अत्री जी जिन्होंने हेल्प की है, रुमेल सर, और इसमें ये कंपटीशन जो है होने जा रहा है डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में। इसमें जो चीफ गेस्ट हैं, डीसी मैम हैं, एडीसी सर हैं, डीडीसी चेयरपर्सन हैं, जो वो हैं जी। और इसमें जो अपने आर्टिस्ट हैं, अकरम खान सर हैं, फिर अजनबी सर हैं, तो ये सब हमारे साथ हैं। और भी जम्मू के आर्टिस्ट आ रहे हैं इस कंपटीशन में जजमेंट पे, जो हम सिंगिंग के लिए उनको भी अपने सौरभ शर्मा जी हैं जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट से, उन्हें बुलाए जा रहे हैं। और भी तीन चार जो सिंगर हैं हमें अच्छे अच्छे बेस्ट जो हमारे रियासी के, उनको बुलाएंगे, डांस के लिए बुलाया जाएगा जजमेंट के लिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इवेंट में सभी पार्टिसिपेट करें। बाकी आपको आगे किशोर अत्री सर जो हैं वो बताएंगे। नमस्कार सभी रियासी वासियों को। सबसे पहले तो मैं सभी स्वस्थ रहें, सभी ठीक रहें, उसके लिए मैं शुभकामनाएं जो है दुआ भी करता हूँ ऊपर वाले से, और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सभी अपनी जगह स्वस्थ रहें। बाकी बहुत अच्छी बात है कि रियासी में पहले भी इवेंट्स हुए हैं, शायद वो मेरे नॉन में नहीं थे, लेकिन अभी जो है एक इनिशिएटिव लिया है प्रीति लंगे जी ने, जो कि शिवखोड़ी की रहने वाली हैं और शायद ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इंडो नेपाल का कोई कंपटीशन हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तो इन्होंने अभी, ये सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसके बावजूद भी इन्होंने अपना जो है इनिशिएटिव लिया है और ये रियासी में एक बहुत ही बड़ा इवेंट अपने थ्रू मतलब करवा रही हैं, अपने मतलब इनको कोई सपोर्ट नहीं है। बाकी डीसी मैम की हेल्प से हमने जो है ऑडिटोरियम के सपोर्ट ली है, एडीसी सर भी इसमें उन्होंने, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी जो भी जैसे आप फेमस आर्टिस्ट हैं, जैसे कि पद्मनाथ कोतवाल जी जो कि कथक में अपनी एक परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं और काफ़ी उन्होंने बच्चे भी दिए हैं इस ऑडिशंस के लिए, मैं चाहूँगा 4 साल से अबव और बाकी सुपर मॉम, सुपर डैड तक जितने भी जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी फोन लाइन में आपको नंबर दे दिया जाएगा और इस नंबर पे आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोग्राम की जो लास्ट फाइनल डेट है वो है अपने 22 तारीख को, 22 तारीख को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा और 18 तारीख को इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि 18 तारीख तक सभी बच्चे जो हैं वो रजिस्टर करवा दें, ताकि उनको बाद में ये गिल्टी ना रहे कि हमारी जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई और हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ। ठीक है, तारीख को जो प्रोग्राम, ये 22, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, ये 22 जुलाई को है, 22 जुलाई को रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी कॉम्प्लेक्स में जो ऑडिटोरियम है यहाँ पर है। टाइमिंग क्या रखी है? टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि शाम को 5 बजे तक ख़त्म हो जाए, अगर इन केस नहीं होता है तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर स्टार्ट जो है वो 10 बजे एग्जैक्ट हो जाएगा। प्राइस के तौर पे आप क्या दे रहे हैं, क्या प्राइस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? देखिए आमतौर पे जो प्राइजेस होते हैं प्रोग्राम्स में वो ऐसे होते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ही प्राइस दिया जाता है, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है क्योंकि एक ये न्यू आइडिया है और दूसरा बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि हम सभी बच्चों को प्राइज के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, इवन मेडल के साथ भी सम्मानित करेंगे, ताकि उनका जो हौसला है वो और बढ़े।
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जो रियासी के आर्टिस्ट हैं वो इसमें अपनी हिस्सेदारी ज़रूर दें, एज ए गेस्ट ही आएँ, चाहे एज ए अगर कोई एज ए जज अगर आपने आपको समझता है कि मैं जजमेंट कर सकता हूँ तो वो एज ए जज भी आ सकता है, उसके लिए बोर्ड लाइन नंबर में जो है वो संपर्क कर सकता है, अदरवाइज जो है वो एज ए गेस्ट सभी हमारे पास आ सकते हैं। बाकी मीडिया बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 22 तारीख को वो आके बच्चों का हौसला बढ़ाएँ, बच्चों को एडवर्टाइज़ करें, और बाकी जितने भी जो हमारे जितने भी एडवर्टाइज़र हैं वो कृपया करके जो है डीसी ऑफिस में 22 जुलाई को पहुंच जाएं ताकि जो प्रोग्राम है वो अच्छे से अच्छा जो है उसकी शोभा बढ़ पाए। कौन कौन से डांस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या सिंगिंग भी हो सकती है? हाँ कौन कौन से पार्टिसिपेट? हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंगिंग में हमने सारे स्टाइल्स रखे हैं, चाहे वो गीत है, चाहे वो फोक है, चाहे वो इंडियन क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है। तो उसके बाद डांस में जो है वो हमने थ्री और फोर टाइप्स हमने रखी हैं, जैसे कि लॉकिंग, पॉपिंग, हिप हॉप, जिसको जजमेंट करने अभी हमारे रियासी से कोई नहीं है, हमने जम्मू से उनको इनवाइट किया है। बाकी क्लासिकल डांस जो होगा जैसे कथक वगैरह वो हमारे रियासी के ही आर्टिस्ट जो हैं पद्मनाथ कोतवाल जी वो जजमेंट करेंगे, और भी हमने जम्मू से भी रियासी से भी जो भी टैलेंटेड हैं हमने उनको भी बुलाया है। और उसके बाद एक्टिंग के लिए हमने स्पेशल अकरम खान सर को, अजनबी सर को इनको इनवाइट किया है। क्या कोई राइटर भी आ सकता है, जैसे कवि भी आ सकता है, वो भी शामिल हो सकता है कि या फिर डांस और सिंगिंग? हाँ जी, अगर किसी को भी अपनी अगर गेस्ट आइटम देनी है तो वो इन बिटवीन प्रोग्राम के बीच में अपनी 2 मिनट, 2 से या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, वो 2-3 मिनट की अपनी जो है वो गेस्ट आइटम दे सकता है। जैसे कि कोई शेर व शायरी करना चाहता हो, कोई अगर किसी की डबिंग करना चाहता हो, ठीक है, तो वो आर्टिस्ट जो है वो कोई अच्छी कविता बोलना चाहता हो, जो जिसकी कविता बहुत अच्छी हो, ठीक है, तो वो अपनी आके गेस्ट आइटम भी दे सकता है।